हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शिल्पा सिलाई सेंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये प्लास्टिक का कूलर है। इसको धूप में नहीं रखना चाहिए, अगर धूप में रहता है तो ये प्लास्टिक खराब हो जाता है। तो इसका हम कवर सिलाई करेंगे और इस पे जो मक्खी उखी बैठती है तो इस पे काला काला सर लगा देती है, तो इसलिए हम इसको कवर लगाएंगे और कपड़े का सिलाई करेंगे इसका कवर। तो आपको भी दिखाएंगे कैसे इसका सिलाई होगा, कितना इसका मापी होगा, कैसे क्या होगा, ये सब कुछ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ये कूलर प्लास्टिक की कूलर है। अगर आपके पास कूलर हो, कोई भी कूलर हो, तो इसकी चौड़ाई ऊंचाई और लंबाई माप कर आप इसका कवर सिलाई कर सकते हैं। और ये जब गर्मी ख़त्म हो जाए तो इसको कवर लगाकर घर में आसानी से रख सकते हैं। इसमें धूल मिट्टी गर्दा कुछ भी है इसके अंदर नहीं जाएगा। तो चलिए हम इसकी मापी कर लेते हैं। इसकी मापी हम करते हैं, ऊंचाई कितना है इसका देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई है 48 इंच, 48 इंच ऊंचाई है। चौड़ाई हम माप लेते हैं, चौड़ाई है 26 इंच। ऐसे, और ये है 18 इंच। तो इस नाप का हम इसका कवर सिलाई करेंगे। तो कपड़ा हम ये लेंगे, ये बेडशीट का कपड़ा है, काफ़ी मोटा कपड़ा है, तो इसी को हम इस पे कवर लगाएंगे। चलिए इसको हम सिलाई करते हैं। ऊपर का एक प्लेट काटेंगे जिसमें ये सारा साइड वाला हमारा ज्वाइंट होगा। तो ऊपर का है, इधर से है 26 इसकी चौड़ाई लंबाई ऊपर से, और चौड़ाई है 18 इंच। तो चलिए हम कपड़ा ये काट लेते हैं। तो यहाँ से हम 18 इंच चौड़ाई है, तो हम 1 इंच अधिक रखेंगे क्योंकि सिलाई आएगा दोनों तरफ। तो हम ये 19 इंच कर लेते हैं, 19 इंच। और इधर से हम 26 आया था, तो 26 नहीं 27 लेंगे क्योंकि 1 इंच हम अधिक रखेंगे सिलाई में जाएगा। तो इधर से हम 27 इंच काट लेंगे। अब ऐसे हम इसका चौरस काट लेंगे। अब इसका हम ऊपर वाला तो काट लिए हैं, अब इसकी हम पूरा गोलाई माप लेंगे कितना कपड़ा आ रहा है। तो हम इस कोने से चालू करेंगे फिट रख के, और ऐसे कोना हम करेंगे। यहाँ पे आ गया 39, देखिए। यहाँ पे आ गया 55, देखिए यहाँ तक आ गया 55। और फिर यहाँ से हमारा टेप ख़त्म हो गया, यहाँ से हम शुरू करेंगे। एक से और इस खुंजे तक इसमें आ गया 27 इंच, 55 और 10, ये हो गया 65, हो गया 65, और यहाँ 20 आ गया, 10 से 65, 10, 75, 75, और यहाँ पे आ गया 6, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81, 82, 82 इंच हो गया, और लंबाई है 48 इंच। आइए हम काटते हैं कपड़ा। अब हम 82 इंच लंबाई कपड़ा पहले नाप लेते हैं। यहाँ से हम 82 इंच ले जाएंगे, जैसे वो उस पे मापे थे हम बिल्कुल वैसा ही मापेंगे। 55 पे हमारा टेप यहाँ ख़त्म हो जाता है, तो यहाँ से हम फिर मापेंगे। ये देखिए 55, 10, 65, 65 है 10, 75, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 82 इंच पे हमारा ये आ गया। तो हम कोने पे थोड़ा सा चुन देंगे, इसलिए हमारा इतना कपड़ा अधिक लेना होगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंच अधिक हम कपड़ा लेते हैं, कोने कोने पे चुन दे देंगे। तो 82 इंच ये हो गया। जो लंबाई है 48 इंच, इसको हम काट लेते हैं। इसमें 1 इंच हम अधिक रखेंगे क्योंकि हमें सिलाई करना होगा। तो 48 एक 49 इंच हम करेंगे। यहाँ से हम मापेंगे, उनचास इंच यहाँ पे आ गया।
इसी तरह लंबाई हम उस सिरे पे भी माप लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ देख सकते हैं ऊपर का हमारे चौड़ाई और लंबाई काट लिया, और ये है साइड का जो हम चून देकर बनाएंगे। ये इतना हमारा 82 इंच लंबाई है और 49 इंच चौड़ाई है इसका। ये जो ऊपर वाला हमने काटा था, ये कूलर का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला ये हमने काटा था। अब इसको हम कपड़े को उल्टा करके और जो हमने लंबाई वाला काटा था उसको हम एक तरफ से कोने से पकड़ के इसको ज्वाइंट करते शुरू कर सिलाई करते चले जाएंगे। चलिए इसकी सिलाई करते हैं। इसके कोने पे देख सकते हैं थोड़ा सा चून हमने दिया है, तो इसी तरह हर कोने पे चून दे देंगे। हमने इसका कवर सिलाई कर दिया है, ये कूलर का कवर। अब चलिए इसको हम लगा कर देखते हैं कि फिट आया है कि नहीं। देख सकते हैं कितना अच्छा फिट आ गया। अब इसमें धूल मिट्टी कुछ भी नहीं जाएगा, फर्स्ट क्लास ऐसे आप कवर सी सकते हैं और अपने कूलर को या कोई भी कलर कवर सी सकते हैं। कवर हो, कूलर का हो, पेटी का हो, जिसका मर्जी ऐसे माप कर आप कवर सिलाई कर सकते हैं। तो इस तरह आप कूलर को धूप से बचा सकते हैं, कई साल तक चला सकते हैं इसको। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।